शिल्पा के इस शिल्पायन की संगीत संध्या में हमारे बीच उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच दो कलाकार हैं, एक शिल्पायन के अत्यंत होनहार, बहुत ही प्रतिभावान और ऊर्जावान हमारे शिल्पायन के गर्व श्री एस तेजस्वी शशांक, बाल्यकाल से ही शिल्पायन से जुड़ करके संगीत की शिक्षा लेकर के आज इस मुकाम पर पहुंचा है। शिल्पायन की संगीत संध्या में हम सब बैठ के उसके मधुर गायन का श्रवण करेंगे। और शशांक के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है, नाम लेते ही शोभा जी हाजी आई, बोलने ही जा रहे थे कि हमारे बीच में श्रीमती शोभा चौधरी जी जो इंदौर से पढ़ाई है और अब वो पढ़ा चुकी है। वास्तव में श्रीमती शोभा चौधरी जी से हमारे शिल्पायन के जो पुराने सदस्य हैं वे सभी परिचित हैं उनके गायन से। इनकी संस्था पंचम निषाद जो इंदौर की अग्रणी संस्था है, उनसे हमारे शिल्पायन का बहुत आत्मीय संबंध कई दशकों से है। और आज हमारे बीच में पुनः उपस्थित होकर के अपने मधुर गायन से हमें स्वर सिद्ध करेंगे। ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले आइए सुनते हैं श्री एस तेजस्वी शशांक का गाया हुआ राग रागेश्री, तबले पर शहर के अत्यंत परिचित युवा तबला वादक श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती और हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय। तो हम सबसे पहले श्री आयुष शर्मा से अनुरोध करेंगे कि हमारे आज के कलाकार को मंदिर अर्पित करें। हमारे बीच में आयुष शर्मा स्वयं भी बहुत अच्छे गायक थे और अब श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती का माल्यार्पण करने के लिए उनके ही छोटे भाई श्री गौरव चक्रवर्ती, यहाँ उनके एक और छोटे भाई हैं, उनको भी बुलाऊंगा। तालवाद्य से तालवाद्य का और स्वरवाद्य से स्वरवाद्य का श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती का माल्यार्पण श्री गौरव चक्रवर्ती। और श्री हर्षित उपाध्याय का माल्यार्पण सिद्धार्थ चक्रवर्ती के अनुज श्री सिद्धांत चक्रवर्ती जो स्वयं बहुत अच्छे सितार वादक हैं। आपने थोड़े दिन पहले उनका थोड़ा सा सितार वादन सुना है, कभी हम विस्तार में भी सुनेंगे। बहुत ही सुरमयी यह संध्या सुरों से सुशोभित होने जा रही है। श्री
ईश्वरमयी संध्या को सुरों से सुशोभित करने के लिए श्री शशांक आपके सामने उपस्थित है और ये प्रस्तुत कर रहे हैं राग रागेश। पहना